श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जो शक्ति शिवलिंग हो उस पर जब भी जल चढ़ाना तो बैठ कर चढ़ाना। शक्ति शिवलिंग पर जब भी जल चढ़े, भले शिवलिंग कितना भी ऊंचा हो, कितना भी ऊंचा हो, तो संगी से चढ़ा दो, पर जल बैठ कर चढ़ाए। भले शिवलिंग ऊपर है, पूरा तरह से हाथ नहीं पकड़, जैसे सोमनाथ जी, सोमनाथ जी में शिवलिंग कितना बड़ा, महाकालेश्वर का शिवलिंग कितना बड़ा, तो उसको तो बैठ कर स्नान नहीं करा सकते। भले शिवलिंग कितना भी ऊंचा हो, पर अगर भूमि टच है, शिवलिंग अगर भूमि टच है, शक्ति शिवलिंग है, तो भले आधा शिवलिंग नहाए, आधे पर पानी जाए, पर बैठ कर ही स्नान कराया जाए। और महाराज, यदि हरीश्वर शिवलिंग है, अर्थात भगवान विष्णु के हस्त कमल पर, ब्रह्मा के हस्त कमल पर यदि शिवलिंग है, तो वो शिवलिंग का जब भी स्नान कराएंगे, अभिषेक कराएंगे, पूजन कराएंगे, तो खड़े होकर ही करना है। और खड़े होने का भी तरीका होता है, दोनों चरण बराबर में रख कर कभी भी शंकर भगवान के शिवलिंग का स्नान नहीं कराया जाता। श्री शिवाय दोनों चरण बराबर रखकर, अगर हरीश्वर शिवलिंग है, किसी मंदिर में शंकर को जल चढ़ाने के लिए आप गए हो और शंकर को जल चढ़ा रहे हो, तो हरीश्वर अगर शिवलिंग है तो दोनों पांव बराबर रखकर नहीं, एक सीधा चरण थोड़ा सा आगे रखिए और उल्टा चरण थोड़ा सा पीछे रखकर भगवान शंकर का जलाभिषेक करने पर लक्ष्मी जैसे अपने चरण रहते हैं, भगवान शंकर उसी तरह से लक्ष्मी को दौड़ाते हुए अपने घर में प्रवेश करा। लक्ष्मी भागती हुई, अगर जो पुष्टि मान, नमस्तुभ्यम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।